नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया रहेगी जारी, सातवें चरण में होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। बिहार कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, ट्रेनों के AC कोच में यात्रियों को एक बार फिर से मुहैया कराए जाएंगे कंबल और चादर। पर्यटकों को मिलेगी बिहार में चेन्नई और गोवा जैसा आनंद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया रहेगी जारी, सातवें चरण में होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर हमेशा बवाल काटे जाते हैं। लंबे लंबे अंतरालों के बाद शिक्षकों की नियुक्ति सरकार को हमेशा सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन सरकार इसको लेकर प्रयासरत है कि शिक्षकों की नियुक्ति में अब कोई देर ना हो। इसके लिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है, शिक्षकों की नियुक्ति जारी रहेगी। शिक्षक नियोजन की 6 चरण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और 7वें चरण की नियुक्ति जारी रहेगी, जिसमें 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,000 पद और +2 स्कूल के लिए 6,421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए गए हैं। BPSC के जरिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। बिहार कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, बिहार राज्य कर्मियों को बिहार सरकार एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है। आपको बता दें कि राज्य कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा 2 साल बढ़ाई जा सकती है, जिसके बाद कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल तक की जा सकती है। विधान परिषद सदस्य केदारनाथ पांडे के सवाल पर कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नियमन दिया कि सरकार समरूपता लाते हुए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। दरअसल देश के अन्य राज्यों तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष है। वहीं केदारनाथ पांडे ने कहा कि राज्य कर्मियों की 60 वर्षों की सेवा करने के बाद सेवांत लाभ के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का व्यय भार वहन करना पड़ता है। RRB और NTPC के छात्रों की मांगे हुई पूरी, 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शॉर्टलिस्ट। RRB और NTPC के छात्रों द्वारा रिजल्ट को लेकर किए गए आंदोलन से सरकार की आंखें खुली है। इसके बाद से छात्रों की मांग को लेकर सरकार भी तत्परता दिखा रही है। आपको बता दें कि छात्रों की मांग थी कि एक छात्र एक रिजल्ट हो या फिर ये नीति अब लागू होगी। साथ ही ग्रुप डी पदों के लिए 2 की बजाय 1 ही परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए रेलवे NTPC की 3,05,000 और भी रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि NTPC के दूसरे चरण के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 गुना ज्यादा यूनिक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे। रेल मंत्रालय ने बीते दिन ट्वीट कर कहा कि NTPC के सभी लेवल के रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होंगे। यही नहीं, 2019 में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी वही होगा। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला छात्रों को रेलवे की तरफ से होली गिफ्ट है। ट्रेनों के AC कोच में यात्रियों को एक बार फिर से मुहैया कराए जाएंगे कंबल और चादर। रेलवे ने कोरोना महामारी को लेकर ट्रेनों में चादर कंबल मुहैया करवाने पर रोक लगा दी है, लेकिन रेलवे अब ये व्यवस्था एक बार फिर से लागू करने जा रही है। कोरोना महामारी से पहले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था कि ट्रेनों के AC कोच में यात्रियों को कंबल और चादर मुहैया न कराई जाए, लेकिन अब रेलवे ने ये व्यवस्था एक बार फिर से तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। हालांकि अधिकारियों ने ये भी कहा है कि यात्रियों को ये व्यवस्था मुहैया कराने में वक्त लगेगा, जिसके लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया होगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक ये सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। कैदियों की संख्या में वृद्धि के बाद इन जेलों में बनेंगे नए बंदी गृह। बिहार में कैदियों की संख्या बढ़ने से जेलों में जगह कम पड़ गई है, जिसके बाद बिहार के सभी जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद है। ऐसे में बिहार सरकार ने नए अनुमंडल राजगीर, रजौली, मढौरा, महाराजगंज, हथुआ, चकिया, पकड़ी दयाल, महनार और सिमरी बख्तियारपुर में 1,000 कैदियों की क्षमता की जेल बनाने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि दरभंगा में 772, छपरा में 132, सहरसा में 158 पुरुष और 50 महिला और बेनीपुर में 158 कैदियों वाला नया जेल बनाने का फैसला लिया गया है। बिहार विधान परिषद में प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि राज्य में जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए ही भभुआ में 426, जमुई में 1,030 क्षमता के और औरंगाबाद में नए जेल बनाए जा रहे हैं। वहीं अरवल में 558 और पालीगंज में 535 कैदियों की क्षमता वाले जेल का निर्माण भी चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की सुनवाई टली। लालू यादव की बहुचर्चित चारा घोटाला मामले पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है और अब ये सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। CBI की विशेष अदालत से 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा मिलने के बाद लालू यादव के समर्थकों और परिजनों की नजर हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई पर टिकी हुई थी, लेकिन अब ये सुनवाई टल गई है और अब ये सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। मालूम हो कि कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टर की टीम उनके इलाज में लगी हुई है। इस बार की होली वो रिम्स में ही मनाएंगे।
ये 10 बूढ़े बांध बिहार में मचा सकते हैं तबाही। बिहार में ऐसे 10 बूढ़े बांध हैं जिनमें अभी के मौसम में भले ही पानी कम लगे लेकिन बारिश के दिनों में इनका रूप विकराल हो सकता है, लेकिन बूढ़े होने की वजह से हमेशा इनका खतरा भी लगा रहता है। इनसे खतरा महसूस होना लाजमी है। बूढ़े हो चुके 10 बांधों के अलावा 5 ऐसे बांध भी हैं जिनके निर्माण के 35 साल से अधिक के समय अवधि पूरी हो चुकी है। इन पर दबाव पड़ने के डर से इनकी पूरी क्षमता में जल भरे बिना ही पानी निकालने की कवायद की जाती है। इससे गर्मी के दिनों में इसमें से कई बांध खाली हो जाते हैं जिसके बाद सिंचाई के लायक भी नहीं रह जाते। देश के जाने माने नदी विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा कहते हैं कि बिहार के अधिकतर बड़े डैम मैदानी इलाके में हैं। इन सब में काफी गाद भर रहा है। अगर निदान जल्द नहीं खोजा गया तो बिना टूटे भी ये स्मारक बनकर रह जाएंगे। सीबीएसई स्टूडेंट्स को मिलेगी अब बड़ी राहत। सीबीएसई बोर्ड विद्यार्थियों को बड़ी राहत दे रहा है। बोर्ड ने 24 फरवरी को प्रायोगिक परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन बोर्ड ने इस गाइडलाइन में संशोधन किया है जिसके बाद बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा अब 3 घंटे की होगी। इससे पहले जारी गाइडलाइन में सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सीबीएसई पाटलिपुत्र सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष एके नाग का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी और विद्यार्थी बेहतर तरीके से सवालों को हल कर पाएंगे। मालूम हो कि 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब सैद्धांतिक परीक्षा 24 अप्रैल से आयोजित होनी है। पर्यटकों को मिलेगी बिहार में चेन्नई और गोवा जैसा आनंद। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन कोई न कोई व्यवस्था लागू करने की योजना बनाती ही रहती है। इसी बीच अब खबर ये आई है कि बिहार में पर्यटन स्थलों पर गोवा चेन्नई की तरह ही पारासेल बोट, जेट अलैक और अन्य बड़े बड़े और छोटे बोट पैडल बोट का लुफ्त सैलानी उठा सकेंगे। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के अवमानना पर्यटकीय स्थल से करने की योजना बनी है। ये उक्त बातें खुद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कही है और ये बहुत जल्द ही होली के बाद पश्चिम चंपारण के अमवामन झील से चालू हो जाएगा। साथ ही पर्यटकों के सभी उपकरण 15 मार्च 2022 के बीच में वहां पहुंच जाएंगे। पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस भी शराबी और शराब तस्करों पर कसेगी नकेल। होली जैसे पर्व में शराब पीने वालों और शराब के धंधेबाजों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी अब पुलिस ही नहीं यातायात पुलिस भी संभालेगी। इसके लिए यातायात पुलिस की 3 विशेष टीमों को लगाया जाएगा। ये तीनों टीमें आज से ही अपने काम में लग गई है। ये टीम शुक्रवार से ही रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटल और प्रमुख बाजार में वाहन चालकों की जांच करेंगे। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि शराबबंदी को पूरी तरह प्रभावी बनाने के तहत पुलिस ने एंटी लीकर टास्क फोर्स और यातायात पुलिस की कुल 14 टीमें बनाई हैं। ये टीमें होली के दौरान तस्करों के साथ ही हुड़दंगियों पर भी नजर रखेगी। पशुपति कुमार पारस बोले, इस देश में 2029 तक प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना दबदबा कायम रखा है। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 राज्यों पर अपना कब्जा जमाया। वहीं इधर बिहार लोजपा के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी भाजपा की प्रचंड जीत से बेहद खुश है। बाबू चंद्रिका जी के पुण्यतिथि पर भोजपुर जिला पहुंचे पशुपति कुमार पारस, चुनाव परिणाम आने के बाद लोगों को मॉर्निंग शो ऑफ द डे है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया है उससे यह स्पष्ट होता है कि 2024 से नहीं बल्कि 2029 में भी इस देश में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब के गृहमंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार के कुंवर विजय प्रताप सिंह। शायद आपको याद हो, इधर कुछ ही दिनों पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि अगर वो फिर से सरकार बनाएंगे तो बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव में जिस तरह आप पार्टी ने अपना दबदबा बनाया है जिसके बाद पूरी स्थिति बदल गई है और ये पूरी नजर भी आ रही है। इसके बाद बिहारियों को भगाने की बात तो दूर ही, पंजाब की पूरी कानून व्यवस्था की बागडोर ही अब एक बिहारी के हाथ में आने वाली है। इस बात की चर्चा तेज है कि पंजाब विधानसभा में पहली बार बिहार के गोपालगंज जिले के कुंवर विजय प्रताप सिंह को भगवंत मान की सरकार में गृहमंत्री बनाया जा सकता है। अब सभी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेंगे हथियार के लाइसेंस। इस बार हुए पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों पर धड़ल्ले से हमले किए गए, इनमें कितनों की जान भी गई। इसको देखते हुए ही बिहार सरकार सतर्क है और हर संभव प्रयास में है और इस वजह से ही किसी की जान ना जाए, ऐसे में बिहार की पंचायती राज विभाग की तरफ से गृह मंत्रालय को यह अनुरोध किया गया था कि पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के साथ हथियार का लाइसेंस दे दिया जाए। इसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संबंधी पूर्व नियमों को अधिकृत करते हुए शस्त्र नियम 2016 अधिसूचित किया गया है। इसके बाद से ही अब बिहार के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के साथ हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। अब शाहीन शाह अफरीदी ने की सर जडेजा की नकल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मैच बिना किसी नतीजों पर खत्म हुआ और अब दोनों देश कराची में आमने सामने होंगे। इस बीच पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर फैंस को रविंद्र जडेजा की याद आ रही है। पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन वाले इस वीडियो में पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को भारत के रविंद्र जडेजा की कॉपी करते हुए देखा जा रहा है। तेज गेंदबाज अफरीदी बिल्कुल जडेजा की तरह रन अप लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं की स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं। अफरीदी का यह अंदाज देखकर
फैंस को सर जडेजा की याद आ रही है और वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं करने पर विधायकों ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा में आज सदन 12:30 बजे ही स्थगित नहीं करने पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सदन की सहमति लेकर कार्रवाई को 12:30 बजे से आगे तक के लिए बढ़ा दिया था। इसी के विरोध में भाकपा माले के सदस्य इस पर बोलने लगे। राजद विधायक ललित यादव ने भी कहा कि स्पीकर से निवेदन है कि सदन का जो नियम है उसका पालन किया जाए। तब इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे पहले भी सदन की अवधि तेजस्वी यादव की तरफ से ही आनंद मोहन के इश्यू पर बढ़ाने का आग्रह किया गया था, फिर आज यह सवाल क्यों? दरअसल गौशाला की जमीन अतिक्रमण को लेकर ध्यानाकर्षण को लेकर अवधि बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ने पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को भोजनावकाश तक सदन स्थगित करनी पड़ी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, रघुनाथ प्रसाद, नेहा भार्गव, सिद्धार्थ पटेल, मृत्युंजय कुमार, प्रद्युम्न यादव, नुन्नू कुमार, पूनम कुमारी, प्रियम कुमारी, अमित कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।